उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने आगाज कर दिया है दोस्तों नई शिक्षक भर्ती का। जी हाँ, यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए लगभग 70,000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो यूपी में ये एक बहुत बड़ी भर्ती होगी दोस्तों। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि क्या शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टेट सीटेट की परीक्षा यानी शिक्षक अर्हता परीक्षा या शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाएगी या फिर सीधा पहले भर्ती होगी। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पर हमारे साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल को सभी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देख पा रहे हैं, अमर उजाला न्यूज़पेपर आज की में ये आर्टिकल आपके सामने है, शिक्षकों के 70,000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अप्रैल 2017 से अब तक चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी है। प्रदेश सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अप्रैल 2017 से अब तक चयनित शिक्षकों के पदों के बारे में जानकारी मांगी है। सरकार की ओर से यह जानकारी खाली पदों का विवरण जुटाने के उद्देश्य से मांगी जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो इस समय कुल मिलाकर करीब 70,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इससे पहले कोर्ट को बताया गया था कि उनके पास परिषदीय विद्यालयों में लगभग 51,000 पद खाली है। लगभग 22,000 से अधिक पद 68,500 शिक्षक भर्ती के खाली पड़े हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 68,500 शिक्षक भर्ती के कुछ पद भरे गए थे, लेकिन अब भी करीब 70,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 2017 से अब तक हुई नियुक्तियों की जानकारी मांगी जाने के बाद नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद जगी है। सचिव ने सभी बीएसए से कहा कि सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों का विवरण एक्सेल सीट में सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में भेजा जाए। 26 जून को काउंसलिंग का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा और परिषद की ओर से जिला आवंटन सूची का प्रकाशन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए भर्ती तो बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन ये भी बात तय है कि उससे पहले आपकी TET की परीक्षा करा ली जाएगी, क्योंकि सरकार ने पहले भी इस बात की जानकारी दी थी कि शिक्षक भर्ती के आने से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो यहाँ पर आगे बात करें तो PET आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से विज्ञप्ति प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET की आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने की प्रतियोगी पर छात्र मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम सप्ताह में आयोग की वेबसाइट लगातार बाधित रही, इसके कारण लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं आवेदन से वंचित रह गए। मांग करने वालों में ये कुछ छात्र थे। तो दोस्तों यही है पूरी की पूरी यहाँ पर जानकारी आप सभी के लिए कि जो भी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहा है, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, पूरा अपनी कमर कस ले, क्योंकि बहुत ही जल्द अब उनको यहाँ पर एक नई शिक्षक भर्ती, बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो यही अपडेट आप सभी के लिए थी। नमस्कार साथियों, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।